नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाने की तस्वीर साझा की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दही चीनी खिलाकर उन्हें उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुक्रवार शाम राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार गठन का न्योता दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देशवासियों का आभार जताया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में हम उसी गति और समर्पण भाव से देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली लोकसभा है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद ये पहला चुनाव है। एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया है। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए। इससे पहले 18वीं लोकसभा के लिए दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल का नेता चुना गया। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भाजपा के संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार ने देश के पिछले 10 साल में जो सेवा की है उसकी देश ही नहीं दुनिया में तारीफ हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। अमित शाह ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और कहा कि आज का यह फैसला आजाद भारत के इतिहास में ऐतिहासिक फैसला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमें मिला। हमारा देश सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के हर क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए समर्पित भाव से पीएम नरेंद्र मोदी ने काम किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कई वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरा कार्यकाल मिला है। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आखिरी बार 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए रविवार को भारत आएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई है। आज सुबह 11 बजे ये बैठक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में होगी। कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई, जो पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। दूसरी ओर टीएमसी की नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम कोलकाता में अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के भी शामिल होने की बात। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ऐसे में विदेशों से भी कई राष्ट्र अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचेंगे।
राष्ट्रपति भवन में 8, 15 और 22 जून को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति की ओर से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण ये अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि दरअसल राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है। चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें राष्ट्रपति भवन के गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि एन चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे या नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा पर हुई है। दिनभर चली इस गोलीबारी में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें एक एरिया कमांडर भी शामिल है, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस कार्रवाई में 3 जवान भी घायल हुए। मौके से मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में 78 लोगों के नाम शामिल है, जिनमें 38 अभ्यर्थी, सरकारी अधिकारी और अन्य लोग भी शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली के राउस एवेन्यू ने कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। इस मामले में 6 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद विभव कुमार ने 30,000 कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी अर्जी ठुकरा दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने राज्य की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर राज्य सरकार हिंसा को नियंत्रित नहीं कर सकती तो अगले 5 साल तक केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी जाएगी। इस मामले में पेश याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि 1 जून को राज्य में 7 चरण के मतदान खत्म होने के बाद से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी हीट वेव से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन तक दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम के इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री बने रहने का अनुमान है। वहीं झारखंड में आज से 11 जून के बीच, बिहार में 9 और 10 जून, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में 9 से 11 जून के बीच मौसम विभाग ने हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है। कल अधिकतम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में रिकॉर्ड किया गया। यहां तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूपी के कुछ इलाकों में 11 जून तक हीटवेव चलने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर भारत में जहां लोग गर्मी के कहर से परेशान हैं, वहीं मॉनसून के आगे पश्चिम की ओर बढ़ने की खबर से राहत भी पहुंची है। मौसम विभाग के अनुसार
मॉनसून मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। अगले 24 घंटों में मुंबई और आसपास के इलाकों में गरज बरज के साथ ही बारिश भी हो सकती है। तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। देश के पश्चिम मध्य के बाकी हिस्सों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना। साथ ही अगले 24 घंटों में पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में पंजाब और हरियाणा में कई जगह धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की भी संभावना। वहीं मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी। इन इलाकों में लू चलने की भी संभावना। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत और विदेशों में आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर डीएमआरसी के निदेशक डॉक्टर पी के गर्ग और केआरसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य डीएमआरसी और केआरसीएल के आपसी सामंजस्य से भविष्य में नई परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के लिए मीडिया और आउटरीच गतिविधियों की समीक्षा करना था। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से योग के प्रति जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन द्वारा विशेष लाइव मॉर्निंग कार्यक्रमों समेत योग विशेषज्ञों के साथ खास कार्यक्रम और साक्षात्कार भी प्रसारित किए जाएंगे। आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आकाशवाणी संयुक्त रूप से योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसी के साथ आयुष मंत्रालय ने एक विशेष योग गीत की भी रचना की है, जिसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। INV मंत्रालय की विशेष पहल के तहत निजी मीडिया संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान भी दिया जाएगा। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था, आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस QR कोड बिफोर आई टेक इट ऑफ विद माय Seat टायर्स। Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4.83 अरब डॉलर बढ़कर 651.50 अरब डॉलर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बाहरी ऋण और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति में सुधार का संकेत देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने
विश्वास व्यक्त किया कि रिजर्व बैंक बाहरी वित्तीय पूंजी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेगा। ग्राहक जल्द ही उठा सकेंगे फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यूपीआई लाइट में राशि तय सीमा से नीचे जाने पर उसमें स्वचालित रूप से पैसा डाले जाने की सुविधा का लाभ। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई मैंडेट रूपरेखा के तहत इन उत्पादों में स्वतः पैसा डालने की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि निश्चित अवधि पर होने वाले भुगतान के लिए ई मैंडेट का चलन बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए फास्टैग, एनसीएमसी आदि में खुद से पैसा डालने की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनिटरी कमेटी की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया और लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाल ही के सत्रों में रेपो दर ने लगातार रियल एस्टेट बाजार में वृद्धि के लिए एक स्थिर आधार प्रदान किया है। आरबीआई द्वारा दर में स्थिरता या आगे की ढील एक महत्वपूर्ण बढ़ावा होगी, जिससे खरीदार का विश्वास बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग ने केंद्रीय मीठा जल जल कृषि अनुसंधान भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता के तहत राज्य के किसानों को मछली आहार तकनीक और जयंती रोहू तथा उन्नत कतला प्रजाति के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा कि वो आईक्यूब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के चुनिंदा समूह को निरीक्षण के लिए वापस मंगा रही है। टीवीएस ने कहा कि वो 10 जुलाई 2023 से 9 सितंबर 2023 के बीच निर्मित इकाइयों के ब्रिज ट्यूब का निरीक्षण करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों का प्रदर्शन लंबे समय तक अच्छा रहे। एनएचएआई ने उपग्रह आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने के लिए दुनिया भर से अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित इस व्यवस्था से राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों को निर्बाध टोल संग्रह अनुभव मिलेगा। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर कंटेनर सुविधा के लिए 5 साल का परिचालन और रखरखाव अनुबंध मिला। APSEZ ने कहा कि APSEZ ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 5 साल का O&M अनुबंध हासिल किया है, जिसके तहत सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र की तारीख से 7 महीने के भीतर माल ढुलाई उपकरण लगाना है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी, जिससे इसके दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन समूहों में से एक बनने का रास्ता भी साफ हो गया। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइन की एयर इंडिया में 25.1% की हिस्सेदारी होगी। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइन और टाटा समूह का एक संयुक्त उद्यम है। एनसीएलटी के चंडीगढ़ पीठ ने 31 पन्नों के फैसले में टेलिस, एयर इंडिया और विस्तारा से जुड़ी समग्र व्यवस्था योजना को मंजूरी दी है। एयर इंडिया को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक विलय पूरा हो जाएगा। टोरेंट समूह का बाजार पूंजीकरण 1.68 लाख करोड़ रुपए हुआ। फार्मा से लेकर ऊर्जा तक के कारोबार में मजबूत वृद्धि के कारण समूह का बाजार मूल्यांकन एक साल में लगभग 2 गुना हो गया। छात्रों के डूबने की घटनाओं के बाद रूस स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श जारी कर छात्रों से जलाशयों में जाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि इस साल रूस में भारतीय छात्रों के डूबने की घटनाओं में अब तक 4 भारतीय छात्रों की जान जा चुकी है। साथ ही छात्रों के इस संबंध में सभी आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय करने की भी सलाह दी गई। छात्रों के डूबने की घटना में स्थानीय आपातकालीन सेवाओं ने अब तक वोल्खोव नदी से 2 शव बरामद किए। शेष 2 लापता छात्रों की तलाश जारी है। विदेश मंत्रालय ने परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। परामा विश्वविद्यालय के एक परिसर में अज्ञात बंदूकधारी ने छात्रों के एक समूह पर गोलीबारी की।
इस घटना में एक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। विश्वविद्यालय के रेक्टर एडुआर्डो फ्लोरेस सी ने एक्स पर बताया कि गोलीबारी की घटना तब हुई जब कृषि विज्ञान के छात्र राजधानी से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बेरागुआस के विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र में फील्ड वर्क कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति में अमेरिका की तरफ से हुई देरी के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से माफी मांगी। पेरिस डीडे लैंडिंग के 80वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में दोनों नेता शामिल हुए। इस मौके पर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि वो यूक्रेनी लोगों से उन महीनों के लिए माफी मांगते हैं जब उन्हें ये पता नहीं था कि और सहायता आएगी या नहीं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सहायता देने के लिए स्वीकृति दे दी थी, लेकिन ये मामला संसद में अटक गया था। अफगानिस्तान ने T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 84 रनों के बड़े अंतर से हरा कर बड़ा उलटफेर कर दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड की टीम 75 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मैच में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम आमने सामने है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 125 रनों का लक्ष्य रखा है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस QR कोड before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज तीसरा मैच नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। आज दोनों टीमों की कोशिश दूसरा मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर काबिज होने की होगी। T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप स्तर का एक एक मैच खेल चुकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आज अपने दूसरे मैच में मैदान पर उतरेगी। T20 विश्व कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की थी, तो वहीं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया मैच बेनतीजा रहा। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज ATP 100 चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। सेमीफाइनल मैच में नागल का सामना फ्रांस के लुका वेंस से होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में नागल ने रूस के इवान गखोव को सीधे सेटों में 6-1, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को डेनमार्क के एंडर्स के हाथों हार झेलनी पड़ी। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में आर प्रणनंदा ने अमेरिका के फेबियानो कैरुआना को मात दी। प्रणनंदा 13 अंक के साथ तीसरे स्थान पर। भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समारा ने ISSF विश्व कप के अंतिम दिन कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। सिफ्त ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।
फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग के फाइनल में आज पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक का सामना इटली की जैस्मिन पाउलिनी से होगा। वहीं स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने भी फ्रेंच ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेफ ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में ज्वेरेफ ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। कंगना रनौत के थप्पड़ विवाद के बाद सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने सुरक्षाकर्मी को जॉब ऑफर की है, जिसके बाद अब विशाल सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना पर नाना पाटेकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे कंगना रनौत के इस वाक्य के बारे में मालूम नहीं, मगर ये बहुत ही गलत है। रणवीर सिंह ने इंडियन फुटबॉल के लेजेंड सुनील छेत्री के इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने पर एक पोस्ट शेयर किया। सोशल कॉमेडी फिल्म मनिहार की स्टारकास्ट प्रमोशन के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर कर्नाटक सरकार ने लगाया प्रतिबंध। फिल्मों से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का खतरा, कारण बताते हुए सरकार ने इसे बैन किया। अभिनेता आर वाधवन और उनकी पत्नी सरिता अपनी शादी के 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अभिनेता कार्तिक आर्यन के लिए गाजियाबाद से लाए गए आम खुद खा गए प्रशंसक। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर साझा किया किस्सा। और अनुराग कश्यप और गुलशन देवया की सीरीज बैड कॉप का ट्रेलर जारी। इसी महीने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 21 जून को दस्तक देगी सीरीज। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। साथ ही ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम मणि मंत्रा सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।